नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी और मैं हूं आपके साथ एकता। मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड की कुछ लेटेस्ट अपडेट। सोनी टीवी का फेमस शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मुसीबतें अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल शो के प्रोड्यूसर और शो छोड़कर जाने वाले एक्टर्स के बीच चल रहा विवाद दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जहाँ हाल ही में शो में तारक मेहता की भूमिका निभाने वाले शैलेश लोढ़ा ने एक बार फिर से शो के प्रोड्यूसर असित मोदी को लेकर काफी कुछ खुलासा कर दिया है, जिसके सपोर्ट में अब शो में रोशन भाभी यानी के जेनिफर बंसीवाल मिस्त्री भी शैलेश लोढ़ा के सपोर्ट में उतर आई हैं, जहां एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर को लेकर और भी खरी खोटी सुना दिया है। दरअसल शैलेश लोढ़ा ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर पैसे वापस नहीं करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर शैलेश ने ट्रिब्यूनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं कोर्ट ने प्रोड्यूसर को शैलेश के बकाया पैसे वापस देने का आदेश दिया था। इसी के साथ हाल ही में एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में शैलेश असित मोदी के कई चिट्ठे पुर्जे फिर से खोलते हुए दिखाई दिए हैं, जहाँ इस दौरान शैलेश ये कहते दिखे हैं कि उन्हें सब टीवी का एक स्टैंड अप शो गुड नाइट इंडिया में काम करने का मौका मिला था। एक्टर ने शो का एक एपिसोड भी शूट किया था, जिसके बाद शो के टेलीकास्ट होने के ठीक एक दिन पहले असित ने उन्हें कॉल किया था और अपमानजनक तरीके से बात की थी। इसी के साथ शैलेश ने ये भी कहा था कि असित ने शो के कलाकारों को नौकर कहा था। बातचीत के दौरान शैलेश ने बताया था कि असित चाहते थे कि एक्टर एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर दे, तभी पैसे वापस किए जाएंगे, लेकिन शैलेश ऐसा नहीं करना चाहते थे। वहीं अब शैलेश के इन्हीं बातों को रोशन भाभी यानी कि जेनिफर मिस्त्री सपोर्ट करती हुई देखी गई हैं। जेनिफर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है। एक्टर की बातों पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि अगर शैलेश जी जैसे सीनियर एक्टर को ऐसा सुनना पड़ता है तो जरा सोचिए हम जैसों ने क्या क्या सुना होगा, हमने कितना कुछ सहा होगा। बता दें कि कुछ महीने पहले ही जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इसी के साथ जेनिफर ने शो के मेकर्स पर उनका बकाया पैसा वापस नहीं लौटाने के भी आरोप लगाए थे। लेकिन इन सबसे हटकर शैलेश लोढ़ा के इस बयान पर आपकी क्या राय है, या हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, अभी के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं एकता त्रिपाठी पंजाब की केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।